इस बार नेपाल की राजधानी काठमांडू च गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा नानक मठ विखे पहली बार बहुत ही वड्डे पद्धर से गुरु जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके से हरविंदर कुक की स्पेशल कवरेज। यही है नेपाल की राजधानी च स्थित पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा नानक मठ। इसे दे इस स्थान का विशेष महत्व है कि इस बार पहली बार इस जगह से श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही वड्डे पद्धर से धूमधाम के नाल मनाया गया। इस मौके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए ते भारी दवान सजाए गए। इस मौके से पंजाब तो आए प्रसिद्ध रागी जथिया ने गुरबाणी कीर्तन की अमृत वर्खा से रसपिना कीर्तन करके संगतों ने हाल किया। गुरपुरब के मौके से जिथे देश विदेश और पंजाब चो आईया भारी गिनती संगतां मौजूद सन, उथे इस मौके से नेपाल के सबका प्रधानमंत्री की पत्नी हिंसला यमलाई, नेपाल च भारतीय राजदूत रणजीत दे और पुंडुचेरी के सबका गवर्नर इकबाल सिंह भी विशेष तौर पर पहुंचे। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हाजिर प्रकाश पाठ साहब श्री जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं सारे ही बड़भागी हाँ जो कि गुरु नानक देव जी के गुरपुरब के 546 जन्मदिन से असीं गुरु घर च विराजमान सारी संगत बैठी हुई उसका जस गायन कर रहे। सतगुरु नानक पगड़िया मिट्टी कन तुरजा चानन होया, जेसो चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार, एते चानन होदिया गुरबिन को गया। गुरु के बिना इस कलयुग विच कोई अंधार। मेरे तो पहला साहब जगजीत सिंह जी का जी बोल रहा सी, जिन्होंने बहुत ही हिस्ट्री और जो गुरुद्वारे की सेवा साफ करने वास्ते जो उन्होंने विचार रखे और राय साहब ने और मेरे नाल खड़े हुए सत्कारयोग सरदार रणजीत सिंह जी, जिन्हां ने जम्मू कश्मीर विच बहुत लंबा समा राजनीतिक तौर पर समाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर और एक एजुकेशनिस्ट होद्या होया बहुत लंबा समय तो सेवा कर रहे। मेरी इन्हां दी बहुत ही लंबे समय तो सन 75 तो जदों जलंधर आए सी मेरे नाल गए सन और उत्थे जो इन्हों का स्वागत होया सी सारे पंजाबियों ने किया सी वो अज भी मेरी याद। नेपाल विच मैं अज चौथी वारी आया और संगत नूं मिल के इस तरह लगता कि मैं सारे संसार में पंजाबी तो सारे पंजाब तो आ गए सारे। किस तरह मैं कह रहा सतपाल सिंह जी गुरुद्वारा दुख निवारण लुधियाना जिन्होंने मिशनरी बनाया और संगतान एजुकेशन दी धार्मिक एजुकेशन साहब जगजीत सिंह जी गाबा जिन्होंने गुरुद्वारा साहब स्थान का बनाया। लेकिन मैं ये कह सकता कि जो जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाया जिथे कहा जाता है ना कि गुरुद्वारे का चूरता निशान के दर्शन हो जाए और उस पासे खुलिया पटका राही जो गुरुद्वारे के निशान को देखता वो ये सोचता है कि मैं उधर को चल पावा मैनू गुरु का लंगर भी मिलेगा और जो मैनू लोड़ है शरीरक तौर पर दवाई की लोड़ है सेवा की लोड़ है वह भी मैनू उ मिलेगा। ये दर्जी जी ने उसे पंजाब के बहुत अच्छा काम किया। पंजाब तो बहुत संगत आई हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज आई हैं, धार्मिक आई हैं,
एसबी अबराय साहब ने मैं दर्दी जी के विचार सुन लिया मैं इन्होंने विचार पढ़े स मैं मिलिया नहीं सी हाँ स्टेज पर जरूर तीन बारी मौका मिलिया जिसे मैं फंक्शन पर गया उसे इन्होंने दर्शन हुए पर कल इन्हों की माता जी के नाल मैं जो नेपाल दी बार साइट सीन पर गया उन्होंने जो मैं विचार सुन रहा तो मैं सोच रहा सी कि माता की आशीर्वाद है जिहड़ा कि अपना ऐसा सेवा कर पूता माता की आशीष निरुख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश सतगुरु तुम पे हुए ध्याना संत संग ये जीवन ताली मिलता है सेवा कर बार बच्चे बैठे ने लंगर छक रहे ने मैं बड़ी खुशी है कि इन्होंने नेपाल बच्चों को अडॉप्ट किया और बच्चों की सेवा कर रहे हैं पंजाब जेलों में जाके जिहड़ियां कुछ इसत्री जाति दिया जिन्होंने जेल च रखा गया उन्होंने बच्चों को बाहर लिया के उन्होंने एजुकेशन देनी उन्होंने धार्मिक स्थान की दरबार बारे बोलना एक बड़ी वड्डी गल इहो जी सेवा करनी संसार च सब तो वड्डी चीज है जिथे बाबा पैर करे पूजा आसन थापन सोवा डिसिप्लिन है तुम्हें आई मिट मैं अवेलेबल एम्बेसडर है रंजीत राय जी and it is a player that he knows the of the Sikhism and he is always praying to the Guru Nanak for the our peoples sarvata bala jehdi sari ardas hai nanak naam chardi kala tere paane sarvata bala sarvate vich kaun koi jati nahi hai कोई सिख नहीं है कोई ऐसा देश नहीं है पूरी यूनिवर्स का जगत चलंदा रखता है अपनी कृपा का सारे जगत लिए अरदास करते हैं गुरु का सिख गुरु का सिख ये सोचता है कि सब के घर खाने मिले पहनने को वस्त्र मिले चाहे उदासीन है चाहे वो किसी धर्म का सारे धर्म उनके लिए बराबर ने और ये सारी देन मां महापुरुष बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले जिन्होंने उन्होंने दर्शन किए होंगे संत बाबा ईश्वर सिंह जी के दर्शन किए होंगे संत बाबा गणेश सिंह जी के दर्शन किए होंगे उन्होंने जो जीवन के गुरु नानक साहब की सिक्ख्या में चले एक छोटी गल नहीं है बाबा नानक सिंह जी ने गुरु नानक साहब की फोटो आ बनवाई सी दर्शन किए थे आ बनवाई सी अज मैं तुम एक बड़ी होर अचंभे की गल सुना लाहौर के ब्लाइंड लेडी सी ब्लाइंड लेडी ने गुरु नानक साहब की फोटो आ बनाई जो मैं वो फोटो देखी तो मैं ये महसूस कर रहा सी कि जो बाबा नानक सिंह जी के डेरे च फोटो बनी वही फोटो उस लेडी ने वो फोटो मैनू मिल गई और मिली बिहार तो एक साढ़े जलंधर दे थिएटर है संत सिनेमा संत सिनेमा की मालिक वो लेडी मिली हुई सी अजकल पंडिचे नहीं रहते रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ
प्रदेश कांग्रेस ने फोन किया, मैं कहा तुम जाओ अमृतसर जाके फोटो देखो गुरु नानक साहब जी और उतों के जेडे आश्रम के महंत ने उन्होंने लैके गए ने जलंधर उत पहुंचे कहते जी असि फोटो नहीं दे साढ़े जे वे गुरु से वह लैके जलंधर तो आए थे एक ब्लाइंड लेडी ने बनाई उन्होंने कहा जी ये फोटो दे दे मैं तुम फोटो की कापी करा के मेरे को एक गल कोई कौतक वाली नहीं है एक गल है कि गुरु नानक साहब जी उस बनाई लेडी ने किस तरह पूजा की थी किस तरह उसकी सोच सी और उसके हाथ में जो शक्ति सी उन्हें गुरु नानक साहब की फोटो कर दी भगत पूरन सिंह लाहौर में गुरुद्वारे सेवा करते थे कोई छोटी शक्ति तो नहीं हुई उन्होंने मिली परमात्मा वालों भगत पूरन सिंह जी ने जो अमृतसर में सेवा ही आश्रम बनाया आज सारी दुनिया उत्थे जाती पिंगलवाड़े दे विच हर जरूरतमंद जिथे सरपादा बना हुंदा ये गुरु नानक साहब का नारा उत्थे चलदा है इस तरह मैं सोच रहा कि साडे नेपाल विच जिथो दे राजे भगती करन वाले जिसने जगत मल जी ने जिन्होंने गुरु नानक साहब जगह दी उन्होंने दर्शन करने आए दर्शन करके उन्होंने मन मंगी कि मेरी सेहत नहीं ठीक है मैनू तुसी इस नेपाल की सेवा करन जोगा तुसी एक मेरा शरीर ठीक कर दियो जिन्हें सात दिन उन्होंने शरीर ठीक हो गया तो गुरु नानक साहब ढूंढ रहा सी लभ रहा सी कि मैं उन्होंने मिल के मेरे को उन्होंने कोई सेवा ही नहीं कराई ना मेरे राजमहल आए ना मैं उन्होंने पास मिल सकिया पता चल गया कि बनारस चले गए राजा जी उत्थे पहुंचे तो गुरु नानक साहब ने बेनती की अपना बेटा कोल बिठा के जिथे 5 एकड़ की पहला जमीन सी 200 एकड़ जमीन जो कि रिकॉर्ड ते मेनू ओबराय साहब ने दसिया और प्राइम मिनिस्टर नाल इत्थे गल कीती ये कोई करामात नहीं है ये अकाल पुरख की कृपा है अज बच्चों की सेवा हो रही है ये भी अकाल पुरख की कृपा है राम जपो जी ऐसे ऐसे नूपरा नाल जपियो आज ऐसे ध्रुव प्रहलाद की उम्र भी नहीं सी 5-5 साल ये शक्ति अकाल पुरख को मिलती गुरु हरकृष्ण जी की कितनी उम्र सी 8 साल साहबजादा गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादे 7 और 9 साल नीहां में चले गए सी ये शक्ति कितों मिली ये अकाल पुरख की शक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादे जब कुर्बान हो गए कभी बेटे वाले कभी वाले द्वारा ये किश्तों से पर्जा अरा हो रहा है वो भारत का आशिक फिरा हो रहा है गुरु तेग बहादुर जी ने जी शहीदी दी सी गुरु नानक अंश के नौवे गुरु ने वो कोई अपने लिए नहीं सी दी वो लोड़वंदा लिए संसार के विच उसने जरूरत सी उसने शहीदी दी सी इतिहास संसार का इतिहास है संसार के गुरुआ का इतिहास है और गर्दी जी जो सुना रहे सी लंगर की गल एक वीर पाया मैं तो कालू जी ने दिता क्या एक चंगा कर्म करके आप गुरु नानक साहब रुकया अपने बेटे रुकया चंगा कर्म उन्होंने की समझा जेड़े साधु काफी दिन तो भुखे बैठे सी और भगती कर रहे सी अकाल पुरख की उन्होंने गुरु का लंगर छकाया अब जो 20 रुपए की एफ टी दी हुई सारे संसार में लंगर मिल रहे हैं गुरु नानक साहब की उसने कृपा हो रही है और जो गुरु नानक साहब ने कृपा की थी तो इस स्थान पर तो उन्होंने बड़ी तपस्या तुम पिछे पिपल के दरखत के थले चले जाओ तुम कुछ समय विराजमान होकर उत्थे भगती करो
फिर तुहानू अपने आप नू पता चल जाएगा कि इतों दा एनवायरमेंट कैसा है, इतों दी शांति कैसी है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, उत्थे बैठो, मन नू एकाग्र करो। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पिछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सगल सुख पावे, तिसके दस सब पाप मिटावे, अवर स्यान पिछगरी छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आमन जान रखे होई तेरा नाविक, तिस जन के पूजो सन तेरा। ते महान गुरु का संदेश, महान गुरु का संदेश, और आज का संदेश मेरे बड़ी खुशी हुई के साथ अचार सिंह रजल बोल रहे सी कि इतने कैस तरीके नाल बने, इतने गदगा कमेटी बने, इतने गुरु नानक का प्रचार हुए, इतने सब जगत लई प्रचार हुए। बलजीत बराड़ मेनू जदों मिलन आए तो कहते तुम नेपाल जाने, मैं बराड़ साहब मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जा नहीं सकता। इन्ना जो मैं कह बैठा तो रात को मेनू नींद ना आई, मैं गुरु नानक साहब का इतिहास निकले, मेनू जो नॉलेज नहीं, मैं चार बजे पहला नेपाल पहुंचा। यह इतिहास जब इन्होंने मैं दसिया तो मेरे मन में यही आए कि मैं ना क्यों पीती। सवेरे बराड़ साहब मैं जो मिलिया मैं बराड़ साहब मैं तो जरूर जाना, पर मेरा बेटा अमर जो कहना मैं तो नाल चलांगा, पर किसी किसी की तबीयत नहीं हुई। पर सच्ची गल है जिस मैं इतने पहुंचा, गुरु ही शक्ति है जिहड़ा कि मैं पौड़ियां नहीं सी चढ़ सकता, मैं सारियां पौड़ियां चढ़ के दरबार के सामने उत्ते जाके हाजिर होया और मैं अरदास की। गुरु नानक की जय जयकार हो रही है, हर जगह ते गुरु नानक प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है। उत्थे बेहद खुशी का समा है कि नेपाल की धरती जिथे गुरु नानक साहब जी ने आप इस स्थान ते चरण पा के इस जगह पवित्र किया, अज इत्थे का वड्डा मेला लगा है। भाई साहब कीर्तन कर रहे सन, बड़ा ही आनंद आ रहा सी। गुरनारियां ने बहुत सारिया ऐसिया जानकारियां दित्तियां इस स्थान के बारे। सरदार रणजीत सिंह जी जो मंत्री हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सबका मंत्री, उन्होंने बहुत ही वधिया तरीके नाल स्टेज का संचालन किया। तुहाडे विच इत्थों दे राजदूत साहब बैठे हैं, मैं उन्होंने जीआं कहिंदा हाँ। अज का जो प्रोग्राम है जिथे यह अकाल पुरख की अबार कृपा द्वारा धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा द्वारा सजाया गया है, उस लई सरदार सुरिंदरपाल सिंह बराए साहब, सरदार प्रीतम सिंह प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। आपां नूं तीन गल्लां गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ियां दस्सियां हन, जो सानूं संदेश है कि हर सिख दा धर्म बनता है किरत करनी, दूजा नाम जपना, तीजा वंड के छकना। अज यह जो लंगर चल रहा है यह वंड के छकन की प्रथा है। गुरु नानक साहब जी ने भी रुपये का लंगर लगाया। अज सारे संसार विच एक दिन सर्वे आया सी कि सारे गुरुद्वारे हिंदुस्तान के बाद देशों देशों विच 8 करोड़ लोग हर रोज गुरु नानक साहब के घर विच प्रसादा छकते हैं। 8 करोड़ लोगों को रोज भोजन मिलता है, तो सिर्फ इसका की मिलता है कि गुरु नानक साहब जी ने जी सानू वंड के छकन की ना किरत करके, किरत जिहड़ा करेगा वही वंड के छकेगा, जिहड़ा वेहला रहेगा उह ना गुरु नानक दे दरबार च प्रवान है ते ना वेहला आदमी किसे नूं दे सकदा है। मैं अगर 10 रुपए कमाना हां तां मैनूं हुक्म है गुरु नानक दा दसवंध करना,
एक रुपया जे कोई 100 रुपया कमाता है तो 10 रुपये साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है कि सिख होण दे नाते असीं गुरु नानक दे संदेश नूं घर घर पहुंचाईए कि नाम जपना बहुत जरूरी है। नाम तो बगैर संसार विच शायद कुछ प्राप्ति हो जाए लेकिन कालपुर के चरणों की प्राप्ति करने वास्ते नाम जपना जो जरूरी है, किरत करनी जरूरी है, मन के छकना जरूरी है। तो उस तो बाद दसो पातशाह जी ने सानू कृपा करके एक तीन नुक्ते दसे कि सिख का धर्म है कि जो भी कुछ को मुसीबत आवे दुख सुख आवे तो परचा शब्द आ पावे। परचा शब्द का गुरु ग्रंथ साहब है सारे तो कोई दुख सुख आता है असि गुरु साहब को उसकी अगवाई लेंगे। हाँ गुरु साहब ने कहा कि परचा शब्द का दीदार खालसे का पूजा केवल अकाम ही करनी है, सिर्फ वाहिगुरु तो बगैर असं होर किसी को नहीं मिलना, वाहिगुरु की ही पूजा करनी है। बाकी सारे जिन्हें भी हैं वाहिगुरु के अधीन हैं। सो साडा फर्ज बनता है कि असं शब्द गुरु की पूजा करिए। शब्द जिहड़ा है उसके बारे सतगुरु ने बाणी विच बार बार सानूं कहा है कि एक धुरकी बाणी है, यह कोई किसी आपकी निजी बाणी नहीं। गुरु साहब जी ने जो भी रवाब छेड़न वास्ते भाई मरदाने नूं कहा तो उन्हें ही कहा कि बाणी आई है। बाणी कित्थों आई है? यह कालपुर तो धुर तो आई है। तो धुरकी बाणी आई तिन सगली जंत मटाई, यह सारी जनता का नाश करने वाली बाणी है। सो जिन्होंने भी आज इस स्थान से आके नतमस्तक हुए हो तो सारे मैं बधाई देना हाँ कि गुरु नानक प्रकाश दिहाड़े से तुम गुरु नानक साहब की चरणा में जाकर हाजिरी लाई है। सतगुरु तुहानू सारे परिवारों को खुशियां खेड़ा नाम नाम ते गुरसिखी दे बख्शन। इतों की प्रबंधक कमेटी उराए साहब सरदार भी तुम तुहानू सारिआं नू सेवा करन दा उदम बल बख्शे। मैं भी अज अपने आप नू बड़ा भागा समझदा हाँ कि मैं इस स्थान से आके नतमस्तक होया हाँ जिथे अज तो सैकड़े साल पहले गुरु नानक साहब जी ने आके चरण पाए सन। तुहाडा सारिआं संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। गुरु नानक पातशाह जी दर्शनां दे सिख लै के सतगुरु जी दे चरण छोह प्राप्त इस पवित्र स्थान उते गुरु नानक पातशाह दे पवित्र प्रकाश पुरब उते जुड़ी हुई साध संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। एक अखबार में इस सदे जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कुछ थोड़े नाल वखरी किस्म की गल करांगा अते सब तो पहला अरदास करांगा कि जिन्नी भी संगत जिस शिद्दत रीत सिदक प्यार नाल इस पवित्र स्थान उत्ते मत्था टेकन लई आई है सारियां संगतां नूं गुरु नानक पातशाह दे दर्शन हो जान। गुरु की साध संगत नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुरु अवतार ए जग मग जोत विराज रही श्री अवचल नगर अपार। सब तो पहला गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं एक रूप च देखना होएगा। सरदार रणजीत सिंह जी मैं 40 साल पहला जदों एजुकेशन मिनिस्टर सन जम्मू कश्मीर दे अदो इन्हों की शान उस रियासत मैं देखी सी और जो इन्होंने पंथ की सेवा की साड़ी कौम का झंडा विदेशों में चलाया और जो सिखी की श्रद्धा सिदक इन्होंने परिवार इन्होंने खानदान इन्होंने संगत ने किया उसकी मिसाल अब तुम अपनी अखा इतने देख रहे हो। मैं अद्धी सदी तो ज्यादा 1960 तो पंथक सेवा के खेत्र मीडिया विच मैनू गुरु नानक पातशाह ने बख्शिश करके सेवा का मौका दिता अते मैं एक गुरु नानक पातशाह का अर्धना जा सिख हाँ जिस तो इकले सतगुरु जी ने इन्ना माण रियाई दिती कि हिंदुस्तान के सारे प्रधानमंत्रियों नाल पिछले दो दहाकों में सारी दुनिया में इस सिखी स्वरूप जो गुरु पातशाह ने सानू बख्शिया उन्होंने नाल जाने का मौका मिलिया। हिंदुस्तान की पार्लीमेंट विच लोक सभा विच राज्यसभा विच सरदार इकबाल सिंह जी गुरदर साहब बाहर बैठे ने पहली बार मैं पार्लीमेंट 20 साल पहला ये लैके गए अते फिर मेरे उत्ते बख्शिश हुई मैं पार्लीमेंट की प्रेस एडवाइजरी कमेटी का मैंबर 1996 बना दिता गया। यह सारिया गल् गुरु नानक के दरबार एक बख्शिश के रूप में मिली मैं इस करके देखता हाँ अते मैं अपने सिख इतिहास के शानदार विरसे वाल जो झाती मारदा हाँ तो सब तो पहला मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह देखता हाँ जिन्होंने
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਇਡ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਉਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਗਾਡ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਰ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਟ ਫਾਰ ਏ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਠ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਰਦਗਾਓਂ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਇਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿ 54 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਲੜਕਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ 17 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋਨੇ ਹਾਂ
और अज की दुनिया में आज दे संसार नूं सिखी दियां कदरां कीमतां तो जाणू करवाउण लई इस सेवा की प्रपाटी इस सिमरन की प्रपाटी इस सिखी की ग्लोरी और शान अगर अज कोई दुनिया में पेश कर सकिया है साकार रूप में प्रैक्टिकल करके साडे सारिआं दी खालसा पंथ की असीस नाल तां उस इंसान का नाम एसपी सिंह ओबराय है। तो अज सारे अरदास करिए ओबराय साहब वास्ते अंबैसडर साहब साडे देश की विदेश मंत्री महाराणी प्रदीप कौर जो साडे शहर पटियाला दी साडे पटियाला स्टेट की महाराणी जो अज हिंदुस्तान की फॉरन मिनिस्टर है उसने नेपाल की सरकार नाल राबता कायम करके गल करके तुहानू प्रेरणा कीती है कि हिंदुस्तान की नेपाल विच जो अंबैसी है और इस पवित्र स्थान की सेवा करवाने वास्ते सरदार एस पी सिंह ओबराय नूं ऑथराइज करे और इत्थे सेवा का महान कुंभ शुरू होवे जिस च सारा खालसा पंथ अपना योगदान पावे। लेकिन इकले सिंह साहब सरदार ओबराय जी ने 100 करोड़ रुपया इस स्थान की सेवा लई देन दा ऐलान किया है और सानू ये विश्वास है कि 2017 नूं जदों असीं गुरु नानक मठ दे दर्शन करन आवांगे इत्थे चलदे होए केसरी निशान इत्थे अस्पताल इत्थे स्कूल इत्थे आर्फनेज अते इत्थे होर नेपाल दे लोकां दी सेवा करन लई अनेकां संस्थावां अते लोकां दे रहन लई संगतां दी रिहायश लई सुंदर कमरे और सना गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस बहुत कुछ तुहानूं इत्थे देखण नूं मिलेगा। तो मैं जो कुछ भी तुहानूं गल्लां कहियां हन सतगुरु अगे अरदास करदा हां कि गुरु नानक पातशाह तुहाडे अज मुबारक प्रकाश पुरब ते तुहाडा इह सेवक अपने प्यारे पंथ की सेवा करके गुरु नानक पातशाह दा दरबार करों इह खुशियां प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सके अते असीं सारियां गुरु की संगतां गुरु नानक दे प्यार विच डुब के उन्हां दे दर्शन करके अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर सकीए। ए मैं जो संदेश सुनेहा तुहानू इस स्टेज तो दे रहा हां ए चढ़दी कला टाइम टीवी सारी दुनिया दे कोने कोने विच ए तुहाडा मैसेज पहुंचा रहा है और पहुंचाएगा और मैं अपने वड्डे पाक समझदा हां कि साडा मीडिया भावें वह अखबार चढ़दी कला है भावे वह चढ़दी कला टाइम टीवी है भावे साडे बाकी इंस्टीट्यूशन हैं तुहाडी इस सेवा नूं संपूर्ण कराउण लई पूरी खालसा कौम नूं पूरे दुनिया च वसदे गुरु नानक पातशाह का नाम लेवा संगतां नूं इस यज्ञ विच शामिल होण लई प्रेरणा करनगे और सारा पंथ सारी कौम हमेशा हमेशा गुरु नानक पातशाह दे गुणा दा गायन करके सरदार ओबराय नूं असीसां देवेगी अते मान देवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगो टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आवन गोद अंदर सुशोभित सत्संग जी गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का जिते देशा च प्रदेशा च पंजाब के वक्त शहरां दे विच अज दा पावन दिहाड़ा प्रकाश पुरब मना रहा हूं। इत्थे आके बहुत मन गदगद होया। असी तां समझदे सी केवल पंजाब च ही वड्डी गिणती मनाए जांदे आ पर अज मन गदगद होया। 3 दिन तो देख रहे सी संगतां बड़े प्यार अते उत्साह दे नाल गुरु नानक नाम लेवा इस समागम दे हिस्सा लै रहियां हन। जिथे सरदार प्रीतम सिंह जी सरदार एस पी सिंह जी अते होर भी पंजाब तो वक्ख-वक्ख शहरां तो संगतां इस स्थान ते एकत्र हो के बहुत वड्डी गिणती च अपने गुरु नूं नतमस्तक हो रहियां हन। गुरु नानक देव पातशाह ने जिथे भी गए संतां गुरु नाल जुड़ के
ना कोई हिंदू ना कोई सिख, सारिया उपदेश दिता सच्चे सिख बनो, सच्चे देश भक्त बनो, दीन दुनिया की सेवा करो, सारे दिन लै के चलो। अज वो इतने इतिहास बुला लिया है, सारे ही धर्म के लोग इस स्थान से इकत्र हैं। मैं इस पावन दिहाड़े से जिसे बहुत बड़ी गिनती संताइया सरदार इकबाल सिंह जी, पाले चली के गवर्नर साहब और इतों के अंबैसडर साहब भी इतने आए हैं, सारिया अज के पावन दिहाड़े से अपने वालों समुचिया संतान को लख लख बधाई देना। गुरु चरणा च अरदास करता सच्चे पातशाह, ये जो सेवा प्रबंधक कमेटी और नानक नेवा नवा रहे हैं, सतगुरु इन्होंने कृपा का हाथ रख के इस तो बाद सेवा करने का पद से उदा बख्शे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। And His Excellency Ambassador Ranjit Ray, Mr. Kishan Singh, and all those who have come to pay their respect to Guru Nanak. I'm proud to be here, and in fact, I have been putting this Guru Nanak temple month marked as one of the important destination for religious pilgrimages under my constituency, where at one end I have a very old traditional Newari temples and cultural in the Asan, and you know the Setu Machandranath comes under my constituency, and at the other end in the hillocks hill area, we have Bhuvaneshwar, Kakleshwar Mandir, and I'm proud that in this 16th ward, which is the largest ward amongst the 35 wards with the largest population, just behind this we have Mepi Mandir, and so Mepi Mandir and this Math can go very, very together. It can be, in fact, developed in a unified way. And also, I would like to remind you that this area is historically important for women, particularly because during the Rana, anti-Rana movement, it was the first place where the women actually showed their unity and struggle against the Rana. It was an underground meeting in which my mother was also there. So that meeting took place in this hillock. So from that point of view, also this place is very important. और बधाई देना चाहता हूँ गुरु नानक देव जी की जयंती पर। जैसे कि अभी हमने सुना एक्सलेंसी सरदार इकबाल सिंह जी से, उन्होंने गुरु नानक देव जी का जो मैसेज है, जो इटर्नल मैसेज है, टाइमलेस मैसेज है, जो सदियों से जो उनकी टीचिंग्स हैं, लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, सेवा, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि उनका जो संदेश है उसको अपने जीवन में उतारें, उस संदेश का पालन करें हम जो भी हम कार्य करते हों। और यही मुझे लगता है सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मैं नेपाल सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी जिनके सपोर्ट से, जिनकी सहायता से आज ये जो बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, जहां गुरु नानक देव जी खुद पधारे थे, इसकी कितनी अहमियत है, पूरी दुनिया में इसकी अहमियत है। तो जो नेपाल सरकार ने सहायता की है कि इस पवित्र स्थान को एक पिलग्रिमेज सेंटर बनाए, ताकि लाखों श्रद्धालु भारत से, पूरी दुनिया से यहां आए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। ट्रस्टीज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ सरदार एस पी एस सुब्राय साहब, सरदार प्रीतम सिंह जी भी हैं यहां पे, और मैं धन्यवाद
देना चाहता हूँ उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। इतने अच्छे उन्होंने प्लान बनाए हैं कि यहाँ पर सराय बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, अनाथ बच्चों के लिए रहने की जगह होगी। इस तरह के प्रोग्राम से पूरी दुनिया में, पूरे नेपाल में एक मैसेज जाएगा कि जो टीचिंग्स हैं गुरु नानक देव जी की, उन पे हम अमल कर रहे हैं। और नेपाल सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से, पूरी दुनिया भर से पिलग्रिम्स आए, टूरिस्ट आए और इस जगह को विजिट करें और नेपाल की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं है कि कितने लोग दुनिया में जानते हैं इस जगह के बारे में, कि जानते हैं कि गुरु नानक देव जी स्वयं यहां पर पधारे थे और कि किस तरह का रिश्ता है नेपाल और सिख पंथ के बीच में। तो मैं ये विनती करूंगा कि जो स्कॉलर्स हैं, जो सिख रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं, जो सिख हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इस रिलेशनशिप पे अध्ययन करें। महाराजा रणजीत सिंह का भी बहुत एक क्लोज संबंध है नेपाल के साथ। तो मैं ये समझता हूं कि भारत नेपाल संबंध में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे दोनों देश के रिलेशनशिप में, जो बहुत एक प्राचीन रिलेशनशिप है। तो इस पे अध्ययन हो, इसका प्रचार प्रसार हो, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, तो हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध और मजबूत होंगे। तो इसी से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पावन पर्व पे, गुरु नानक देव जी की जयंती पर। धन्यवाद।